नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विवेकानंद जयंती पर पंडित महावीर प्रसाद पीजी कॉलेज में नगर विधायक ने नमो ऐप की दी जानकारी। मिर्जापुर जनपद के विजयपुर स्थित पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी डिग्री कॉलेज में नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नगर विधायक ने सभी छात्र छात्राओं से कहा कि नमो ऐप डाउनलोड करने से देश विदेश की सभी जानकारी के साथ साथ कभी भी प्रधानमंत्री जी से सीधे संवाद करने का मौका मिल सकता है। विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इनके जयंती को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं नमो ऐप के बारे में जानकार छात्र छात्राओं ने बताया कि राजा और प्रजा से सीधे बातचीत करने का प्रमुख साधन है। नगर विधायक ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को दिवाली की तरह मनाने की अपील की। ऋषभ चतुर्वेदी ने विवेकानंद जी के चरित्र की जानकारी दी। डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी ने नगर विधायक का आभार व्यक्त किया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष मनीष चतुर्वेदी, कॉलेज के प्राचार्य ऋषभ चतुर्वेदी के साथ साथ कॉलेज के सभी अध्यापक और बच्चे मौजूद रहे। सदयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, इसलिए उनको हम लोग नमन करते हुए पढ़ाई लिखाई को जो दुनिया को संदेश जीरो पर दिए, एक तरह से वो है। एक उनका कहानी और है, जैसे जब वो कहा गए एक पार्क में बैठे शिकागो में, तो एक वहाँ की महिला आई, वो कहीं भी कल तक यहाँ स्टेचू नहीं था यार, नया स्टेचू कहाँ से आ गया। वो उघाट साधना में बैठे थे तो कहीं की बात बहुत अच्छा है और लगे गई कहे और कहीं गरी एकदम जीता जाता है आदमी की तरह है। और जाड़े दिन में जब उभार बैठे थे साधना करते हुए, कहे वाह, जब उनको छुई जब उठा के तो भागी, कहे अरे ये तो मना ही है, तो कहीं आपको ठंडी नहीं लग रहा है। तो कहे कि आपको लग रहा है, मैं हाँ लग रहा है। कहे नहीं, कहे इतना मुंह आपका खुला है ना, जैसा आगट डालेंगे वैसा करती थी और बात नहीं सिर्फ आदेश करती थी सर कलम कर दिया जाए और बस उनके दिए हुए आदेश की तामील होती थी। आज हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह मौका मिला है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है हम भी उससे अपनी बात रख सके, हमारी भी बातों को सुना जाए और वो भी हमसे डायरेक्ट संपर्क में आ सके। तो इसलिए आप सभी लोग इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। युवा दिवस पे हम सब आज स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं। ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। जो भी शिक्षा के दिशा में आगे बढ़ना चाहता है वह एक बार जरूर स्वामी विवेकानंद जी की जो जीवनी को पढ़े। किस प्रकार से उन्होंने शिकागो में अपनी स्पीच दी थी, पहली बार कोई। क्या नाम है आपका? आयुषी मिश्रा। किस क्लास में है? बीए। आज यहाँ पे माननीय विधायक जी आए थे, क्या कार्यक्रम था, क्या समझाया गया आपको? नमो ऐप के बारे में हमें बताने आए थे, जिससे हम कोई भी अपना बात या अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर कर सकते हैं और जो भी हमें पूछना है हम डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं। किससे? मोदी प्रधानमंत्री जी से। तो क्या आप आज की पहले कभी नमो ऐप के बारे में सुना था? नहीं। क्या लगता है कि ये नमो ऐप डाउनलोड करने से हमें लाभ हो सकता है? हाँ, बहुत सारा लाभ हो सकता है। हम कोई भी प्रॉब्लम अपनी या कोई भी जानकारी पा सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ कोई भी बात बताया गया है कि जैसे कि राजा से हम लोग डायरेक्ट प्रजाओं के बात नहीं कर सकते, लेकिन आज ये नमो ऐप के बारे में हमें ये पता चला कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते हैं। अच्छा है। अनामिका शर्मा। कौन सा ये कॉलेज है? पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी कॉलेज विजयपुर। आज नमो ऐप का कार्यक्रम था, विधायक जी आए थे, क्या उन्होंने बताया, क्या आपको समझ में आया? सर, वो नमो ऐप के बारे में ये बताया था कि अगर हम अपनी कोई बात हो, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, कुछ ना कुछ तो काम पड़ता है, तो नरेंद्र मोदी जी से हम लोग कोई भी अपनी बात कह सकते हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री से कोई भी स्टूडेंट बात करे, नमो ऐप के जरिए हम स्टूडेंट प्रधानमंत्री जी से बात। यानी आप सबको ये नई तकनीक अच्छा लगा? यस सर, बहुत।